कचरा शुल्क वसूलने गए निगम अधिकारियों ने की घोर लापरवाही। मकान किया सील, कई घंटों तक महिला रही कमरे में बंद। व्यापारियों ने महिला को कराया मुक्त। मामला इंदौर के एमजी रोड स्थित अल्फा मार्केट का है, जहां पर व्यापारियों द्वारा कुछ महीनों से कचरा शुल्क जमा नहीं किया गया था। इसी की कार्यवाही के लिए निगम का दल आज अल्फा मार्केट पहुंचा और बिना पूर्व सूचना के मार्केट में घूमे और सीधे मेन डोर और शटर को सील कर दिया। निगम की लापरवाही से रजनी नाम की एक महिला, जो मार्केट के दूसरे फ्लोर पर अपनी दुकान में साफ सफाई कर रही थी, उसे ये नहीं मालूम था कि उसे निगम की टीम बंद करके चली गई है। चार घंटे बाद व्यापारियों द्वारा आपस में चंदा करने के बाद निगम की टीम को कचरा शुल्क जमा करने के बाद मार्केट में आकर उस महिला को मुक्त कराया गया। घबराई महिला ने बताया कि वह एक सीसीटीवी कैमरा शॉप में काम करती है और पूरे मार्केट में उनके अलावा कोई नहीं था। वो तो शुक्र है कि चार घंटे में व्यापारियों ने उन्हें मुक्त करा दिया, नहीं तो निगम की निर्दयी टीम तो उन्हें अनिश्चितकालीन बंद करके चली गई थी। महिला ने बताया कि अगर मार्केट में कुछ अनहोनी हो जाती तो मेरा क्या होता, मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं। निगम ने अपनी 15,000 की वसूली के लिए मेरे जीवन को दांव पर लगा दिया। मैं इसकी शिकायत मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से करूंगी। कब से बंद थे आप यहाँ पर? सर मैं यहाँ 11 बजे से बंद हूँ। आगे का भी दरवाजा सील कर गए, गेट पीछे का भी सील कर गए। मान लो अकेली हूँ, बैठी हूँ मैं यहाँ पे, दूसरे फ्लोर पे कभी कुछ हो जाता मेरे साथ में तो इसकी जवाबदारी कौन लेगा? ये कोई तरीका थोड़ी ना, मैं अकेली बैठी हूँ यहाँ पर और बंद करके चले गए, कोई भी नहीं यहाँ पे तीसरे फ्लोर पे, मैं अकेली, कोई भी नहीं यहाँ पर। मतलब किस रीजन से बंद कर गए? और मार्केट में कितनी दुकानें हैं? यहाँ पे 15 दुकानें। किस तो 15 दुकानों में कोई था कि नहीं आपको जब बंद करके? कोई भी नहीं था, बस मैं अकेली थी यहाँ पर, कोई भी नहीं था। तो बाहर से शटर लगा के चले गए? हाँ, बाहर से ताला लगा के चले गए, कोई भी नहीं था यहाँ पर। दोनों आगे थी पीछे भी, और यहाँ मैं अकेली कब से डर रही हूँ, घबरा रही हूँ, कोई भी नहीं। मेरे पास मोबाइल भी नहीं है कि मैं किसी को फोन करके बोल लूँ, और मैं कब से डर रही हूँ, कब से घबरा रही हूँ कि कैसे होगा, कभी रात हो गई तो मैं यहाँ से कैसे बाहर जाऊँगी, मेरे भी बच्चे छोटे छोटे। आपने खाना खाया कि नहीं? नहीं खाया। और कौन किसकी टीम थी नगर निगम की? मार्केट विभाग किसकी टीम थी? नगर निगम की टीम थी। और तो दुकानें सभी सील कर गई और मार्केट रास्ता बंद कर दिया? नहीं, हमारे ही करा। नहीं, ये मार्केट की पूरी मार्केट सील कर दिया था? हाँ, मार्केट सील कर दिया था, नीचे ताला लगा दिया था उन्होंने। तो लगभग 4 घंटे आप बंद रहे यहाँ पर, क्या बोलना चाहेंगे निगम के अधिकारियों के खिलाफ? ये तरीके थोड़ी ना, ऐसा थोड़ा ना कि कोई लेडीज को ऊपर अकेली है और नीचे ऐसे किसी बंद करके चले गए, ये कोई तरीके है क्या ऐसे? मान लो नाइट हो जाती, रात हो जाती तो मेरा यहाँ पर क्या होता? मैं अकेली थी यहाँ, कैसे रहती, कैसे एडजस्ट करती हूँ, कैसे बाहर जाती घर पे? निगम कमिश्नर क्या बोल रहे थे आपका? निगम कमिश्नर को सोचना चाहिए, वो भी एक लेडीज है, मैं भी एक लेडीज हूँ। ऐसा थोड़ी ना होता है कि उधर उधर बोल दे कि बाहर से सील कर जाओ तो सील करके चले गए। मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं भी घर से यहाँ पर जॉब करने आती हूँ, ऐसा थोड़ी ना होता है। कमिश्नर मैडम को भी सोचना चाहिए ऐसा कि तुम आके देखते तो सही कि ऊपर कोई है कि नहीं है, और ऐसे किसे सील करके चले गए। नगर निगम वाले ऐसा करते हैं क्या? अब इसकी शिकायत कहाँ करेंगे आगे? हाँ, क्या करेंगे अब? मुख्यमंत्री जी से करेंगे इसकी शिकायत। आपका नाम बता दें। जी, मेरा नाम रजनी है। आपको बता दें कि स्वच्छता में 5 बार नंबर 1 आने के बाद भी इंदौर नगर निगम के कर्मचारी और अधिकारी वसूली करने में इतने मजबूर हो गए कि उन्हें किसी इंसान की कोई परवाह नहीं है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए इंदौर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा, टाइम 8 मध्य प्रदेश से। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है, तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।